और अब बात करेंगे जागरूकता अभियान की। कोविड 19 को लेकर जागरूकता अभियान का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल कुछ कह रहे हैं। 20 लाख टन करने की संभावना हो गई है, ये होना बहुत आवश्यक है जिससे कि भारत सरकार को हम कह सके हम उस तमाम सुविधाएं मिलती है जो पंजाब को मिलती है, मध्य प्रदेश को मिलती है, हरियाणा को मिलती है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ गेहूं का जो खरीद है वो अधिक से अधिक हो, और इसके साथ में हम लोगों ने चने व सरसों के लिए खरीद केंद्र थे 257 केंद्र थे वो बढ़ाकर 782 कर दिए हैं। GSS के लिए SS को भी खरीद केंद्र के रूप में हमने मान्यता दी, रिकॉग्नाइज किया, उसके कारण से आज वो इतने खुश हैं, आराम से उनको सब जगह वो अपनी फसल बेच पा रहे हैं, तकलीफ नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार में आदिवासी क्षेत्र में TSP क्षेत्र में हम लोगों ने 15 लाख मिनी किट बांटे हैं मक्के के। मक्का बाजरा जो है जहां जहां मक्का बाजरा बोया जाता है वहां हमने 15 लाख मिनी किट बांट दिए हैं, वो काम अभी तक चल रहा है। और एक और काम किया है किसानों की उपज को रेन रखकर लोन दिलाने के लिए 3% ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, बहुत बड़ा निर्णय ये भी हुआ है। और अंत में आपको कहना चाहूंगा जिस मकसद से आज ये विषय की गई है इसको आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि मकसद पूरी विषय का यही था कि ये जो महामारी है विश्वव्यापी है, पूरा विश्व चिंतित है। आप देख लो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली, स्पेन, वहां क्या हो रहा है, कितने लोग मारे गए, जो मैंने फिगर आपको दी है। ये महामारी आगे आने वाले वक्त में या तो खत्म हो जाएगी या भयानक रूप लेगी। अभी जो रूप था उससे बड़ा रूप आ सकता है इसका, जो कि एक्सपर्ट राय दे रहे हैं, अंदाज से बता रहे हैं, उनकी अपनी कैलकुलेशन होती है। तो उस दौर में हम बैठे हुए हैं, अभी कोई खतरा टला नहीं है, लॉकडाउन खुलने के बाद में खतरा टला नहीं है, और आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। ये भी मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अपना बचाव करते हैं तो चाहे कोविड का कैसे हमला हो आपके ऊपर आस नहीं आ सकती है। सवाल ये कि आप कितना अपना बचाव करने में अनुशासन रखते हैं। सरकार तो चलाएगी, चलाएगी, आप खुद चलाइएगा, चाहे गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे ब्लॉक में हो, गांव डाणी में हो। जो लोग समझदार हैं, जो लोग एक्टिविस्ट हैं, जो लोग गांव में मुखिया कहलाते हैं, हर व्यक्ति को आह्वान करना चाहूंगा, अपने हमने एक अपील भेजी है आपको मुख्यमंत्री की तरफ से, आप वो मैटर लेकर के अपनी खुद की अपील, अपनी फोटो लगा के, अपना खुद का नाम लिख करके आप अपने एरिया में बांट सकते हो, घर घर जाके प्रचार कर सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, क्योंकि लापरवाही करने वालों की संख्या कम नहीं होती है। अभी लॉकडाउन खुला हम देख रहे हैं कई जगह धज्जियां उड़ी लॉकडाउन की, और तो अभी हमारे राज्यसभा चुनाव हुए थे उस दिन जो हम लोग विजय प्राप्त करने बाहर निकले तो पत्रकार हो चाहे आम जनता हो वहां धज्जियां उड़ रही थी सोशल डिस्टेंसिंग की। तो उस दिन मैंने कहा था कि हम खुद धज्जियां उड़ा हुए लगे हुए तो फिर जनता को क्या कहेंगे। तो अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो तो एक विजय का मामला था, लोग अचानक आ गए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हम करा नहीं पाए। अब हम चाहेंगे कि आपके सहयोग से सरकार तो कराई करेगी, क्योंकि थूकने से भी और फाउल खेलने से इसके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज की हुई है, मास्क नहीं लगाने का, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करी, शादी ब्याह में 50 लोग ज्यादा इकट्ठे हो नहीं सकते, इकट्ठे हो गए तो अलग जुर्माना लगेगा, तो जुर्माना काफी इकट्ठा हो रहा है हमारे पास में। मैं चाहूंगा जुर्माना इकट्ठा नहीं हो, आप समझ गए, जुर्माने की नौबत नहीं आई पुलिस को, और एक मोटरसाइकिल पे जाना कोई व्यक्ति और लोग पुलिस वाले कहते हैं मास्क लगा हुआ आप 200 रुपए दे दीजिए, उसको अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। पर ये महामारी को रोकने के लिए जरूरी है कि हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। इसी मकसद से 10 दिन हिंदुस्तान में या पूरे हो सकता दुनिया के अंदर भी शायद राजस्थान एकमात्र राज्य होगा जिसने 10 दिन का अभियान चलाया है सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन है हमारा।
इसमें कृपा करके आप लोग हजारों लाखों लोग भागीदार बने, खुद इसको आगे आगे बताएं, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने परिवार में भी, अड़ोस पड़ोस के अंदर जितना आप सेवा करोगे, मैं समझता हूँ आपकी भागीदारी राष्ट्रीय स्तर की महामारी में बहुत बड़ी मानी जाएगी। चाहे आप अपने वार्ड में काम क्यों नहीं कर रहे हो, वार्ड मेंबर क्यों नहीं हो, वार्ड पंच क्यों नहीं हो, सरपंच क्यों नहीं हो, आंगनबाड़ी वर्कर आशा सेवक की बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस काम को ध्यान में रखते हुए सबको आप टोकोगे भी, आप मास्क भी लगाए हुए हो, सोशल डिस्टेंसिंग दो गज दूर खड़ा रहना है, ये सब करना पड़ेगा आपको। दुनिया करने लग गई है, थूक नहीं सकते आप, थूकोगे तो थूकने की हैबिट छोड़ दीजिए आप, थूकने की हैबिट छोड़ देनी चाहिए। हमें राजस्थान को एक मॉडल बनना चाहिए देश के अंदर, क्योंकि दुनिया के मुल्कों में कोई थूकता नहीं है सड़क पर, विकसित राष्ट्रों के अंदर। मैं सुनता हूँ कई जमाने पहले वहां भी थूकते थे, पर पहले कभी महामारी आई होगी तब जो उनको अनुशासन सिखाया गया आज उस पर कायम है हमेशा के लिए। थूक रहा है, गंदगी करना है, ये भी हमारी बीमारियों का कारण होता है। गंदगी से बीमारी फैलती है आपको मालूम ही है, और कोरोना भी फैलता है। इसलिए कृपा करके जो सरकार आपको समय समय पर सलाह दे रही है, इसको आप लोग बराबर अपनाएं। कोरोना महामारी अभी खतरनाक चरण में भी है, ये मेरे पास रिपोर्ट आ रही है। सभी नागरिक खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखे, सरकार आके आप स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख सकती, वो तो बचाव कर सकती है आपके बीमारी होने के बाद में, बीमार हो ही नहीं आप, ये उपाय आपको खुद को करना पड़ेगा। ये महामारी रोकने का मूल मंत्र है, खुद का स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखे, ये महामारी रोकने का मूल मंत्र है। हमें याद रखना होगा कि बिना मास्क घर से बाहर नहीं जाना है, आपस में दो गज की दूरी बनाए रखना है, नियमित अंतराल पर हाथ धोना है, और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं है। सरकार आम जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए सभी संभव फैसले ले रही है। आज देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।